भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल रूस की यात्रा पर। डोवाल ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। तस्वीरों में भारत और रूस की दोस्ती की झलक देखने को मिली है। पुतिन और डोवाल एक मेज पर बातचीत करते दिखाई दिए। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस में होने वाली ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी का वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दरअसल ये मुलाकात इस लिहाज से भी अहम हो जाती है क्योंकि इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ मुलाकात की थी। और अपनी बातचीत में पीएम मोदी ने यह कहा था कि यूक्रेन और रूस को मौजूदा जंग खत्म करनी चाहिए, साथ मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि शांति के हर प्रयास में भारत सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। आपको बताएं कि अजीत डोवाल ने अपने रूसी समकक्ष के व्यापक बातचीत की और पारस्परिक हितों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की गई। डोवाल और श्विंगर के बीच बातचीत पर रूस में भारतीय दूतावास ने यह कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा की है और अपने हितों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की है। आपको बता दें, साथ ही साथ रूस ने अपनी सेना में भर्ती किए 45 भारतीयों को रिहा कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह बताया है कि अब तक रूस ने कुल 45 भारतीयों को छोड़ा है और लगभग 50 भारतीय रूसी सेना में। तो वहीं पर पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले इनमें से 10 लोगों को छोड़ा गया। इससे पहले पुतिन से मुलाकात के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने रूसी सेना में भारतीयों के होने का मुद्दा उठाया था। बहरहाल अभी देखना होगा कि रूस और भारत की दोस्ती से दुनिया को क्या कुछ फायदा मिलता है और आने वाले वक्त में रूस और यूक्रेन जंग रुकने में भारत किस तरह मदद कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।